तो यार आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक ऐसे बाबा की, द लेजेंड, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरटेनर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके अबाउट सेक्शन में लिखा है दिस ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। अरे भाई इज कहाँ गया? तो यार एक बार इनकी आंखों में देखो कितना टैलेंट भरा हुआ है इनमें। पेशे से ये टीचर हैं और इनकी इंग्लिश इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि बच्चे भी बावले हो जाए। तो यार अब चलते हैं चंदन बाबा के अबाउट सेक्शन पर। देखिए यार ये चैनल बना किसके लिए? दिस चैनल ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। वाह, देखा आपने यार, एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है चैनल, ना कि तुम्हारी अश्लील प्रैंक्स के लिए बनाया गया है, ना ही कुछ और। तुम देखोगे ना वीडियोस पे कितनी एंटरटेनमेंट हो रहा है यार, तुम देखते ही खाली का बाप है बहनचोद। बस कर रे, बस कर, बस अजय आ जाएंगे बस। I tells to all of them, ऐसे लिखते हैं यार, प्लीज डू नॉट हर्ट। वाह क्या बात है यार, तुम यार पागल हो यार, हर्ट लिखते हो, HURT, हर्ट लिखा करो भाई, दिल वाला दिल, हर्ट विद YouTube videos, क्या बात है। आई एम जस्ट kidding, मैं भाई मजाक कर रहा हूँ, फॉर समवन द पर्पस ऑफ पब्लिक स्माइल्स। भाई मेरा पर्पस जो है वो लोगों को हंसाना है, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। भाई मैं सिर्फ एंटरटेन करता हूँ, कोई ऐसा है मतलब यार मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एंटरटेन करता हूँ, आपको स्माइल देता हूँ। दूसरी बात, सो प्लीज़ कोऑपरेट मी, भाई सहयोग दो यार चंदन बाबा का एंड माई टीम मेम्बर्स, बहुत बढ़िया। आगे प्लीज़ स्माइल ऑलवेज, हमेशा खुश रहिए, और नोट जो है वो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा ना। तो भाई मैं बताऊँ, 7वीं साल का बच्चा जो होता है ना, जो पढ़ रहा होता है, वो भी शर्मा जाएगा यार एक बार तो। देखो एक बार, इफ एनीवन गिव ए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक, देन आई एक्सपोज, भाई आई एक्सपोज एंड रिएक्ट देम। कौन होते हैं यार जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लगाते हैं? आई विल एक्सपोज की जगह यार तुम आई एक्सपोज लिखा करो यार, इससे स्वैग बढ़ता है भाई। इफ यू स्माइल देन योर फैमिली ऑलवेज स्माइल, तुम हंसोगे तो तुम्हारी फैमिली भी हंसेगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यार अब मैं वीडियो चला के दिखाऊंगा ना हंसने वाली, तो यार तुम पागल हो जाओगे यार हंस हंस के, तो मैं दिखा नहीं सकता यार, नहीं तो यार कुछ भी हो सकता है यार, मैं नहीं करूंगा ये काम। हम चूतिया हैं, हम चूतिया हैं। क्या चला दिया यार तूने, बंद कर इसको यार, बंद कर। तो यार हमने तो मजे ले लिए, अब श्यामा लाइफ को भी मजे लेने देते हैं, देखिए क्या कहती है। बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चे का भविष्य ना खराब करो, ठीक है, बच्चों पे ध्यान दो जिसको पढ़ाते हो। ये प्रैंक वाले दिन भर लेके बैठे रहते हो, फिर एक्सपोज करते हो, एडिट करते हो, अपलोड करते हो, आपको तो सारा काम आता है, सारा खुद करते होंगे। ओ सॉरी, आपको तो आता नहीं होगा, किसी और से करवाते होंगे, क्योंकि आप तो बच्चों को पढ़ाने जाते हो, आपको कंप्यूटर से कहाँ लेना देना है, कंप्यूटर की स्पेलिंग नहीं बोल पाओगे जब हमारे सामने आओगे तो, ठीक है। समझ रहे हो ना, बस यही। तो यार अगर आप इनके थंबनेल्स देखोगे ना यार, तुम पागल हो जाओगे यार, इतनी भेरंट किस्म की क्लिकबेट होती है यार, मैं बता नहीं सकता यार, तुम एक बार खुद देख लो यार, मैं नहीं कहने वाला यार कुछ, तुम देखो। हाँ जी, हंसते हंसते पागल हो जाओगे रिश धवन का यह वीडियो देखकर। सड़क पर क्या बैठी हो रिश धवन? साले तूने तो पागल कर दिया हमको। तो देख रहे हो यार, चंदन बाबा ने रिश धवन को पागल कर दिया है। अब देख लो यार क्या कहते हैं चंदन बाबा। बस पैसा, आपके पास पैसा होगा ना, आप अगर पता चल गया रिश धवन को कि आपके पास पैसा है, वो आपके पास चली आएगी, 100% चली आएगी। तो यार चंदन बाबा क्या और किससे कंपेयर करना चाहते हैं ये तुम खुद सोच लो। चलो अब जो भी था यार ठीक था यार, हम यार कुछ नहीं कहते, क्योंकि यार तुम कहोगे भाई गंदे प्रैंक्स बनाती है रिश धवन यार, ऐसा ऐसा बोलती है, जो भी है यार ठीक है यार। बस मैं ये कहता हूँ कि यार चलो चंदन बाबा ने कपड़ों पर तो कमेंट नहीं किया। कौन सा एक्सपोजर है भाई? मैं कुछ नहीं देख भाई, मैं मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, मेरी बात सुन। निशु दीदी थोड़ा कपड़े यार ढंग के पहना करो, नहीं अच्छी लगती हो। ये सच में मेरे बर्दाश्त से बाहर जा रहा है। चंदन बाबा को कोई क्यों नहीं रोकता यार, रोज नई शर्ट पहनाते हैं यार, पता नहीं कितनी शर्ट है यार, कभी तो कोट ही पहनाते हैं। बेटे बेटे माज कर दी, माज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई,
खैर हमारे पास तो यार दो तीन कपड़े यार वही पहन लेते हैं। दोस्त भिखारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। खैर अब चलते हैं अब इनके इशारों और बैकग्राउंड म्यूजिक पर। चल नहीं रहा है, चार दिन से बंदी डाल रही है, कंटीन्यूअस प्रैंक डाल रही है, लेकिन चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, वही अपना पुराना, समझ रहे ना? यार इनके इशारे देख रहे हो, और रही बात बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो यार ऐसा लग रहा है जैसे तो कोई सत्संग चल रहा हो। मेरे पास उनके लिए सिर्फ एक शब्द है, क्यों? बात है, अगर तुम्हें चंदन बाबा जैसी खतरनाक इंग्लिश आती है तो तुम एमटेक, बीटेक, पीएचडी तक कर सकते हो, और तुम्हारे को नौकरी तो 101% मिलेगी। और दूसरी बात, अगर तुम्हें यूट्यूबर बनना है तो तुम यूट्यूबर बन सकते हो, तुम्हें वीडियो डालना आना चाहिए। और दूसरा, तुम्हारे को एक फेक स्टूडियो बनाना आना चाहिए, वो बनाने के लिए आपको एक ग्रीन स्क्रीन चाहिए और एक ऐसा बैकग्राउंड चाहिए जिसके अंदर एक शील्ड लगी हो जो कि 100K सब्सक्राइबर को मिलती है। और तीसरी बात ये, तुम्हारे को देशभक्ति की बातें आनी चाहिए, तुम किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हो। Oh my God! Wow! यार चंदन मामा कहे थे यार रोस्ट करो, तो यार मैंने रोस्ट कर दिया है। और दूसरी बात ये, आप कहोगे यार रिप्लाई क्या दूं, तो यार सिंपल सी बात ये है, चंदन मामा यार धक्के ही पॉइंट उठा रहे हैं। आप देख सकते हो यार इस वीडियो में मैंने साफ साफ कहा था कि आप ये जरूर कहो कि भाई अश्लील प्रैंक के साथ है, तो भाई मैंने साफ साफ क्लियर कर दिया था मैं अश्लील प्रैंक के साथ नहीं हूँ, मेरे को यार ये पॉलिटिक्स खत्म करनी है जो आप करते हो। और दूसरी बात ये कि भाई पारस ठकराल मेरा कजन है, ऐसा बोल रहे थे आप वीडियो में, तो मेरे को मैं बता दूं यार जो ये जो है ना पारस ठकराल वर्सेस रॉयल सोल्जर वाली वीडियो जिससे फेमस हुए थे मैं और आप, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यार रॉयल सोल्जर आपको तभी मिले थे, तो आप और मैं उसी वीडियो से फेमस हुए थे, तो मैंने पहले बनाई थी, उसके बाद आपने उसको पप्पू ठगराल बना दिया था। तो बात सिंपल सी ये है, मैंने उसके अंदर ये बोला था कि भाई कज़न है मेरा, तो मैं आपको बता दूं पारस ठगराल मेरा कज़न नहीं है। और मुझे ये बाद में पता चला जब पारस ठगराल ने वीडियो देखी, तो यार वो मेरे को जानता तक नहीं था यार, जानता तक नहीं था, ठीक है, तो मेरे को यार बाद में पता चला जब मेरी दीदी ने बताया कि यार वो तेरा कुछ भी नहीं लगता है, वो मेरा बस ये मान लीजिए मेरी जीजू जो है उनकी मासी का लड़का है, तो यार मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है उनसे और ना मेरा कोई कॉन्टैक्ट है, अगर तुम ऐसे वैसे बना रहे हो। अगर ऐसा ही होता तो मैं इस वीडियो में पारस ठकराल का साथ देता। और रही बात, मैंने और भी एक्सपोज वीडियोज़ बनाई है पारस ठकराल पर, आप देख सकते हो। मेरे को यार सबसे बड़ी चीड़ बस यही है यार जो पॉलिटिक्स चलती है, वैसे यार चंदन बाबा यार बहुत अच्छे इंसान है यार, मैंने बात करी है यार, मैं क्यों कहूँगा यार आपके बारे में, मेरे को बस जो ये पॉलिटिक्स चल रही है ना, मतलब यार तुम यार क्या कहूँ मैं यार, मतलब सारा का सारा जैसे जितने भी यार लोग सारे कहेंगे भाई चंदन बाबा रॉयल सोल्जर ने यार किया है, तुम यार तुम्हारे पास तो टाइम नहीं यार, तुमको यार जाना होता है यार कॉलेज वगैरह, तो यार ये तो मत कहो ना यार तुमने किया है, ठीक है। और रही बात यार फैजल की, यार फैजल यार तुम्हारा दोस्त है यार, अब मैं क्या कह सकता हूँ यार, अब मेरा दोस्त कुछ भी कहेगा यार मेरे साथ ही रहेगा यार, वो दोस्त का मतलब ही क्या होता है। लेकिन यार अगर दोस्ती में यार कोई बंदा अगर गलत कर रहा है यार, उसको यार मैं आपकी कमियां बता रहा हूँ यार, ऐसे नहीं यार कि मैं कोई हेट करता हूँ, मैंने तो आपको कहा था कि मैं आपसे तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपने ब्लॉक कर दिया मेरे को, तो आपके ऊपर है यार। और आप मेरा नाम नहीं लोगे मुझे पता है, क्योंकि यार आप नहीं ले सकते, आपके यार अगर सच में है ना सच में, तो यार नाम लो यार, नाम लो, देखते हैं फिर यार कौन सही है कौन गलत है, मेरा जो होगा होगा, आपको टेंशन किस बात की, ठीक है, तो आप लीजिए। और यार मेरे को देख के या फिर और लोगों को देख के यार अब प्रैंक स्टार्स भी यार उठ रहे हैं, तो बस ये कहूँगा यार लोगों पे कीचड़ उछाला है तो यार खुद पे भी गिरने वाला है, तो यार मैं बस यार इससे एग्जाम्पल से ये कहना चाहता हूँ यार, तो अब जो भी है यार सहन तो करना पड़ेगा, आपने बहुत कुछ बोला है, अब लोग भी बोल रहे हैं, तो यार मैं तो कुछ कर नहीं सकता इसमें, तो आप क्या कहते हो यार, ढंग से बोलना, जो भी बोलना अपना यार जो भी पॉइंट है उसको सही दिशा में लेके जाना जो कि सही हो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वही आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि यार मैंने साफ साफ कहा था कि यार आपने ये ज़रूर कहा है कि भाई मैंने यार बहुत बड़ा क्रेडिट दिया है, लेकिन ये नहीं कहा ना कि भाई ये बंदा है, कभी ये कहा आपने, मतलब यार मतलब इंस्टाग्राम का हैंडल भी ऐसी जगह दिया जहाँ पे यार मतलब एट द रेट तक नहीं लगाया आपने, तो यार मतलब यार मैं ये नहीं कहता यार आपने कुछ नहीं किया, आपने बहुत कुछ किया यार समाज को यार सुधारने के लिए, आपका दिमाग जो कहता है कि भाई सुधार रहा हूँ मैं, लेकिन आप खुद भी यार कई जगह पे आप खुद भी गलत हो, मतलब ये यार
आप खुद दिखा रहे हो यार, और गालियाँ देनी मैंने आपसे सीखी है यार, और किसी से नहीं सीखी। आप ही बोलते ना चूतिया वर्ड, ये आपसे सीखा है मैंने, ये आज तक नहीं बोला था। और जयपाल 15 साल का है, वो आपकी वीडियोस देखता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा। और आपने यार फीड मंजीत को यार बहन की गाली दी है, तो यार अच्छा है या बुरा है यार, आप बताओ यार। मैंने तो यार आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी एक रिप्लाई वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ मैं, बनाऊँ ना बनाऊँ आप एक बार यार कमेंट करें जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो, एंटरटेन हुआ हो, आप खुश हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को। अगली वीडियो में मिलते। ओ राहुल, माँ की झूठी कसम नहीं खाते होते?